मेरा नाम सलमा अहमद आलम है और मैं दूरबीन की सीईओ हूँ। जब मैंने अपनी एजुकेशन सेक्टर में अपने करियर का आगाज़ किया तो उसी वक्त हम एक गवर्नमेंट स्कूल को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। ज़िंदगी ट्रस्ट एक इदारा है, उनके साथ मैं काम कर रही थी और उस दौरान जब गवर्नमेंट टीचर्स के साथ करीब से काम करने का मौका मिला तो अंदाज़ा हुआ कि टीचर्स की खुद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़े गैप्स हैं। सो ये चीज़ जो है एक रियलाइजेशन कि टीचर क्वालिटी जब तक बेहतर नहीं होगी उस वक्त तक आपके स्कूल्स बेहतर नहीं होंगे, ये मेरे साथ रही। और उसके बाद मैं फिर आई वेंट ऑन टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑन सम डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स वगैरह, लेकिन ये एक बात मेरे साथ रही कि जब तक हम क्लासरूम्स में जो असातिज़ा जो फ्रंट लाइन डिलीवरी कर रहे हैं तालीम की, जब तक उनकी कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेंगे उस वक्त तक चेंज नहीं आएगा एजुकेशन सिस्टम में। तो दूरबीन भी बिल्कुल इसी सोच से ही निकला कि पहले स्कूल रिफॉर्म से पहले हमें पहले टीचर क्वालिटी और टीचर एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करना ज़रूरी है। पहले जो है इदारे ज़्यादातर अपना नाम सोचते हैं, कंसेप्चुलाइज करते हैं और फिर लोगों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कुछ उल्टा हिसाब था। सो ऑब्वियसली जब नाम चुनने की बारी आई तो there were so many names, right? Like, and for some reason or the other, koi na koi usme keede nikal raha tha. To bahut mushkil ho rahi thi, right? What is the perfect name that captures what we are about? And mujhe, I think, literally ittefaqan hi again. I feel my life has a lot of coincidences, but ye bhi koi randomly mujhe internet pe ek logo mila. And I loved the logo, which is our current logo, हमारा जो अभी logo है दूरबीन का। और उसमें basically एक छोटी बच्ची जो है एक telescope के ज़रिए जो है दुनिया को देख रही है और एक adult उसने कंधे पे telescope को उठाया हुआ है। And I felt this is such a good analogy for what student-centered education really is, क्योंकि आम तौर पे आपके classroom में teacher जो है वो अपने आप को source of all knowledge करार देता है ना, कि मैं हूँ यहाँ का जो सेंटर स्टेज है वो मेरा है, मैं आपको बताऊँगा, आप मेरी बात सुन के समझेंगे और उसको अब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन इस लोगों में दिखा रहा था कि जी आपके टीचर का रोल एक्चुअली सिर्फ एक सपोर्ट रोल होता है, आपने सिर्फ इनेबल करना है, आपने वो सहारा बनना है एक बच्चे के लिए ताकि वो दुनिया को खुद ही देखे, खुद ही वो क्यूरियोसिटी पैदा हो, वो सवाल पूछने की सलाहियत पैदा हो और जवाब ढूंढने की सलाहियत पैदा हो। ये एहसास हम सब का है कि जब तक सरकारी स्कूल्स बेहतर नहीं होंगे ना उस वक्त तक मुल्क नहीं बदलेगा। श्योर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर मेरा एक वो बिजनेस माइंड सेट होता सो दिस इज़ समथिंग दैट कुड बी अ वेरी वायबल बिजनेस इन द प्राइवेट सेक्टर, राइट? बट दैट इज़ नॉट माई मोटिवेशन, राइट? मेरी मोटिवेशन है दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम जो अगर ये फिक्स हो जाए इट कैन चेंज पाकिस्तान फ्यूचर। अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम चेंजेस एनी कंट्रीज फ्यूचर। सो एंड अ पब्लिक स्ट्रॉन्ग पब्लिक एजुकेशन सिस्टम चेंजेस एनी कंट्रीज फ्यूचर। सो हम भी आज अगर टीचर एजुकेशन में तब्दीलियां ला रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी नीयत के लिए ला रहे हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए असातिज़ा तैयार कर रहे हैं। हमारे ये नहीं प्लान है कि हम यहाँ से टीचर्स को ग्रेजुएट करके ओपन मार्केट में छोड़ेंगे ताकि आपके एलीट प्राइवेट स्कूल्स फिर उनको अच्छी अच्छी सैलरीज देके उठा लें। ग्रेजुएशन के बाद जब टीचर्स अपने 3 साल के लिए अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल जो टीचिंग पीरियड है वो पूरा कर रही होंगी, हम उनको वही तनख्वाह देंगे जो एक स्टार्टिंग गवर्नमेंट टीचर की सैलरी है। और उन्हीं 3 सालों में हमारी पूरी उम्मीद है और कोशिश है कि हम उनको एज़ गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स जो है वो रेगुलराइज कर दें। तो ये बातचीत हमारी हुकूमत सिंध के साथ अभी जारी है। दूरबीन में अगर आप मेरा रोल पूछे ना तो आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज अ वर्कर बी, ठीक है? मैं वो मेहनती मक्खी हूँ जो हर दिन जाती है, शहद ढूंढती है, करती है और फिर वो छत्ता बनता रहता है, राइट? लेकिन दूरबीन ने आज अगर ये प्लेटफॉर्म अचीव किया है और इस स्केल तक आप पहुँच सके हैं, इसमें बहुत बहुत बड़ा हाथ जो है ना वो शहजाद रॉय का है जो ज़िंदगी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट और फाउंडर हैं। बिकॉज इस प्रोजेक्ट की ऐसे ऐसे मुश्किलात हुए ना जो मैं कुछ अभी शेयर भी करती हूँ आपके साथ,
लेकिन ऐसे मुश्किलात हुए ना कि शहजाद के अलावा मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि दुनिया में कोई और ऐसा शख्स नहीं होता जो लगा रहता। आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्नॉलेज के जो इस प्रोग्राम में जो फैकल्टी आई है, और ख़ासतौर पर वो फैकल्टी जिन्होंने हमें शुरू में ज्वाइन किया था, और उनसे जितना मैंने सीखा है और उनसे मैं कितना इंस्पायर हुई हूँ, यू नो दिस इज़ ट्रूली अ टीम एफर्ट। मैंने आपको शहजाद का तो नाम लिया ही है, लेकिन शहजाद तो जो बिग जो बड़े दरवाजे हैं वो खोलता है ना, लेकिन ऑन द डेली इस कॉलेज में क्वालिटी अचीव करने में बहुत लोगों का साथ है, और हम सब यकचहता होके ही आज तक जहाँ हैं वहाँ आ सके हैं। तो अभी तो हमारा ड्रीम ऑफ प्रोड्यूसिंग क्वालिटी टीचर्स, हमारा पहला बैच 2023 में ग्रेजुएट करेगा, बट लाइक आई सेड, मैं अभी भी इतना फ़ख्र महसूस करती हूँ इन बच्चों को देखकर, इनको सुन के, इनके कॉन्फिडेंस को देखकर, कितना कहाँ पे वो जो नो दो साल पहले शुरू हुई थी और अभी कहाँ खड़ी हुई हैं। सो मेक्स मी वेरी होपफुल दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और जिस मेयार के हम टीचर्स ग्रेजुएट करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान में बहुत कम इदारे ऐसे टीचर्स तैयार कर रहे हैं। जब टीचर क्वालिटी के इश्यूज का एहसास हुआ और फिर इर्द गिर्द देखना शुरू किया कि भाई इस मसले को कौन हल कर रहा है, तो बहुत कम इदारे नज़र आए, बहुत कम, एंड स्पेशली उस स्टैंडर्ड के जो हम उम्मीद रख सकते हैं प्रोफेशनल टीचर सही माने में जो निकले। सो आई सॉ दिस बिग गैप, जिसको आई थॉट दैट मे बी वी कैन अटेम्प्ट टू फिल दैट गैप, और हमारी भी कहानी की अभी शुरुआत ही है, बट आई एम कॉन्फिडेंट एटलीस्ट कि हमारी अपनी जो स्टूडेंट बॉडी में इनका जो हम देख रहे हैं डेवलपमेंट, इनमें जो ग्रोथ आई है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्लासरूम में बच्चे के जहन को मद्देनज़र रखते हुए एक स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम कैसे बनाना है, आई थिंक वेरी फ्यू स्कूल्स हैव दोज काइंड ऑफ टीचर्स। सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड दैट हम एक ऐसी चीज़ कर पाएंगे जो अब तक पाकिस्तान में नहीं हुई है।